आज मैं एक बना रहा हूँ बहुत प्यारी सी फोटोग्राफ। तो जो कंपोजिंग के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड थी चीज़ें, ये सूखे पत्ते और एक मेरे पास छोटा सा ये पड़ा हुआ है मिल्क कैन और ये साइकिल। तो इसको यहाँ रखूँगा मैं इस तरीके से। हैंग करके और यहाँ दीवार के साथ लगा के, ये एक आर्टिस्टिक जो है फोटोग्राफी कर रहा हूँ मैं, जो फोटो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि एक तो वेदर ऑटम का है तो उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ। और कुछ और टॉयज़ भी मैं लेके आया अपने साथ, तो साथ साथ मैं इन्हीं की भी फोटोग्राफी करता रहूँगा मैं। और जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरे पास नाइकॉन का। तो ये है मेरा नाइकॉन D750 और 85 mm 1.8 लेंस। हर आर्टिस्ट के पास ये लेंस ज़रूर होना चाहिए, हाईली रिकमेंड। और बाकी मैं भी जा रहा हूँ इसको कंपोजिंग की सेटिंग करता हूँ, किस तरीके से इसको कंपोज करना है, बुके किस तरह रखने है। सबसे बड़ी चीज़ है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड आपका जितना क्रीमी होगा, जितना डेप्थ में होगा, उतना ही फ़ोटो आपकी अच्छी आएगी, उतनी ही जान होगी। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे फ़ोटो रखी है, आप दीवार देख रहे हो, एक तो दीवार का कलर येलो और ग्रीन, तो ये जो दो चीज़ें को कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो साथ साथ मैं ये चीज़ें सारी आपको सब शेयर करता रहूँगा। ये पत्ते पड़े हुए हैं, ये लाइव व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसे टेस्ट कर रहा हूँ। और आप बैकग्राउंड भी चेक कर रहे होंगे कि कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त आ रहे क्रीमी बैकग्राउंड।